नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में चुनाव की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। मुकाबला रोचक और दिलचस्प है, चेहरे चौंकाने वाले हैं। दावे और वादों के बावजूद बीजेपी और कांग्रेस ने महिलाओं को टिकट देने में खासी कंजूसी बरती है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर सिर्फ फ्रेश चेहरों पर भरोसा है, तो कुछ ऐसी भी हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार दोनों ही पृष्ठभूमि के हैं। मध्य प्रदेश की जंग को लेकर क्या है सियासी समीकरण, इसी पर आधारित है हमारी आज की यह चर्चा। मगर उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बड़ा एक निर्णय किया है कि सरकार संवेदनशील होना चाहिए। सरकार में संवेदना नहीं है तो सरकार का ही कमलनाथ जी के दरवाजे पे वो भी गए होंगे तो कभी खाली हाथ नहीं लौटे होंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की जंग काफी दिलचस्प है। टिकटों की तस्वीर लगभग साफ है। 5 सीटों पर बीजेपी के मौजूदा सांसदों का कांग्रेस के मौजूदा विधायकों से मुकाबला है। पहली बार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी ने 11 सीटों पर तो कांग्रेस ने 18 सीटों पर नए चेहरे उतारे हैं। इनमें से 7 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी कांग्रेस के नए चेहरों के बीच मुकाबला होने वाला है। वहीं दमोह लोकसभा सीट पर कांग्रेस के ही 2 पूर्व विधायकों के बीच मुकाबला है। बीजेपी ने 6 महिलाओं को टिकट दी है तो कांग्रेस ने 1 महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। 25 लोकसभा सीटों में से 1 भी सीट ऐसी नहीं है जहां महिलाओं के बीच सीधी टक्कर हो। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में है। चुनाव में फिलहाल कांग्रेस की ओर से जीतू पटवारी और उमंग सिंघार तो बीजेपी की ओर से डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा प्रचार पर निकल पड़े हैं। 3 महीने से भी कम समय मिला हमारी सरकार, लेकिन कितना काम किया है। 100 से ज्यादा फैसले किए और फैसले करने के पहले सबसे बड़ा एक निर्णय किया है कि सरकार संवेदनशील होना चाहिए। सरकार में संवेदना नहीं है तो सरकार का ही की। इसी गुना के अंदर बस की दुर्घटना हुई थी, आप सबने भी देखा होगा। मेरा स्वागत सम्मान भी नहीं हुआ था यहाँ। हमने कहा स्वागत सम्मान बाद में, पहले जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे तो नीचे से लेके ऊपर तक को भी हटाने का निर्णय इस गुना की धरती पे करके एहसास कराया था। मैं सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के परिवारों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परिवार के नेताओं के परिवार के बेटों और बेटियों की बात कर रहा हूँ। कमलनाथ जी के दरवाजे पे वो भी गए होंगे तो कभी खाली हाथ नहीं लौटे होंगे। हमेशा छिंदवाड़ा को लेकर उनकी जीविका, उनका समर्पण, उनका अपनत्व। हमारी 15 महीने की सरकार थी, हर महीने कैबिनेट होती थी, पर हर कैबिनेट में छिंदवाड़ा के लिए कुछ न कुछ होता था। ये था कमलनाथ। मध्य प्रदेश में सभी दल अंचलवार लोकसभा चुनाव का समीकरण बनाने में जुट चुके हैं। हर अंचल का विश्लेषण पार्टियां कर रही हैं, उसी के आधार पर अगली रणनीति तय करने में जुटी हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 अंचल को छोड़ दें तो बाकी सभी अंचलों में तस्वीर कांग्रेस की चिंता बढ़ाने वाली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। तो फेस की रेस, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी जी जुड़े हैं। शंकरलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी इस डिबेट का हिस्सा है। रितेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शंकरलाल तिवारी जी, बीजेपी तो विधानसभा चुनाव के बाद से ही पूरी तरह से आश्वस्त है, ये दावा कर रही है कि 29 की 29 सीटें पार्टी की झोली में आएगी। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे पहले चरण से, जहां पर जिन सीटों पर मतदान होना है, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं भारतीय जनता की पार्टी की है वहां पर, खासकर अगर हम बात करें सीधी की, जहां दोनों नए चेहरों के बीच इस बार मुकाबला है, और जबलपुर में जहां आपकी पार्टी ने 20 साल के बाद चेहरा बदला है। जी, आपके भाव ये समझते हैं, वरिष्ठ अत्यंत वरिष्ठ सब लोग भी आपके सुनते हैं, पत्रकार जी, लोकसभा का चुनाव, लोकसभा के चुनाव में मेरी अपनी एक कार्यकर्ता के नाम की मान्यता है जी। ये चुनाव पार्टी लड़ती है, जो भी पार्टी सत्ता में रहे, जो भी पार्टी विपक्ष में रहे, पर इसमें कार्यकर्ता लड़ता है, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क लड़ता है। विधानसभा के चुनाव में तो अपने अपने क्षेत्र है, अपनी अपनी मरे थोड़े बहुत एक्सपेक्ट है, पर लोकसभा के चुनाव में कैंडिडेट बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता जी। तो मेरी अपनी कैंडिडेट का चेहरा, उसके काम, उसकी राजनीतिक
जो भी सियासी गतिविधियां सब रहती है, और मूलतः देश का चुनाव, दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठाने का चुनाव, दुनिया में भारत सरकार बनाने का चुनाव जी। और इसलिए जनता के दिमाग में रहता है कि दिल्ली सरकार मजबूत स्थिर, क्योंकि जनता ने पिछले 10-15 सालों में और देखा है कि 6-6 महीने के प्रधानमंत्री, 8-8 महीने के प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर जी जैसे नेता 1-1.5 महीने के प्रधानमंत्री, चरण सिंह, देव गौड़ा, और इसलिए देश के अंदर कितना नुकसान होता है ऐसी गवर्नमेंटों से, ये भी जनता समझती है। और रही बात बीजेपी की मध्य प्रदेश के मामले, मैं विनती पूर्वक आपसे कह रहा हूँ, प्रदेश के श्रोता सुन रहे हैं, कांग्रेस के लोग अपनी बात कहेंगे, हम दावा नहीं कर रहे हैं, हम तो ये सिर्फ कर चुके हैं जी। आप देखते हैं कि पिछले 18 के चुनाव में कांग्रेस 5-7 सीट से ज्यादा रही बीजेपी से, कर्जा माफी का नारा हो या कुछ भी कारण रहे हो, आपका साथ चली जाए, पर उसके तुरंत बाद जब 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो वो 7-8 सीट ज्यादा जीतने वाली कांग्रेस पार्टी का पार्लियामेंट के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी के नाम के सामने भारतीय जनता पार्टी की स्थिर मजबूत विकास करने वाली, जन कल्याणकारी योजनाएं देने वाली, दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाली, देश की परंपरा, देश की संस्कृति को आजादी के बाद जिस तरह दफनाया गया, किसका गया, बिल्कुल, और इस गौरव का सम्मान कितना जनता करेगी इस चुनाव में, इसका जवाब मैं जरूर आपसे लूंगा जी। रितेश जी के रुक कर लेते, तब तक रितेश जी, शंकरलाल तिवारी जी कह रहे हैं कि चेहरे इस बार उतने महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि देश का चुनाव है, और ये सभी जानते हैं कि लोकसभा के विधानसभा के मुद्दे काफी अलग होते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी भी यही मानकर चल रही है कि चेहरे को उतनी ज्यादा तवज्जो ना दी जाए, केवल जो पीएम फेस है उसे ही प्रोजेक्ट किया जाए? देखिए सही बात है, मैं शंकरलाल तिवारी जी की बात से पूरी सहमत प्रदान करता हूं, इनके में चेहरा कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ये 10 साल से केंद्र में मोदी सरकार है और मोदी सरकार ने एक रत्ती का देश में काम नहीं किया है, यही कारण है कि आचार संहिता लगने के ठीक पहले ना कोई सगुन देखा गया ना कोई समय देखा गया। आऊंगा फिर सर, तिवारी जी मैंने आपको बोलने दिया, संसद में घोटा है, कम से कम डिबेट में गला घोटने का मत करिए, आप मेरे आदरणीय है, पूजनीय है, आप अपनी बात को थोड़ा बाद में कहिए, मैंने आपसे साफ साफ बात करूंगा, राम के नाम पर जीतना चाहते हैं, पाकिस्तान के नाम पर जीतना चाहते हैं, और आप मेरी बात को नोट डाउन कर लीजिए, आने वाले समय में निश्चित तौर पर चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई और गतिविधि हो, आपने देखा पिछले चुनाव में किस तरह पुलवामा घटना हुआ और हमारे प्रधानमंत्री जी फोटोशूट करवा रहे थे, ये पूरा देश को भ्रमित करके मात्र भगवान राम के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, इनने पिछले 10 सालों में देश के किसान को आत्महत्या पे मजबूर किया है, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब 32% देश में बेरोजगारी थी, आज देश की बेरोजगारी प्रतिशत 65% से ऊपर बढ़ गया है, आज ये बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की, आपने देखा जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है किस तरह महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपने देखा देश का युवा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, और भारतीय जनता पार्टी अगर कोई काम कर रही है तो लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है, उसने पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपनी सरकार में मिलाया है, अपने संगठन में मिलाया है, और जो उनका मूलभूत कार्यकर्ता है चाहे वो तिवारी जी हो चाहे कोई और हो, खुद तिवारी जी इस दंश को भोग रहे हैं, ये सतना में काफी कर्मठ रहे और इनकी टिकट एंड टाइम पर काटकर यहाँ के सांसद को दे दी जाती है, तो ये जिस तरह से खिचड़ी पका रहे हैं, और इसी के विरोध में हमने समाज भी उठाया था कि जब सांसद को तुम विधायक की टिकट दे रहे हो तो क्या विधायक को आप सरपंची की टिकट दोगे, तो खुद अपने कार्यकर्ताओं का अपमान करके और दूसरी पार्टी से आयातित नेताओं को जबरदस्ती भर भर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, और देश की जनता से, देश के लोकतंत्र से और देश के संविधान से भारतीय जनता पार्टी का एक रत्ती का लेना देना नहीं है, आज भारतीय अर्थव्यवस्था इसी कारण गर्त में जा रही है, किसान परेशान, नौजवान परेशान, महिला परेशान और पूरा संविधान तहस नहस करके उन्होंने रख दिया। ठीक है, मैं जरूर इस पर बीजेपी से जवाब लूंगा, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, क्या इस बात से आप भी सहमति रखते हैं कि केवल एक ही चेहरे पर अब चुनाव लड़ा जा रहा है, फिर जो 29 सीटों पर चेहरे उतारे हैं उनका कोई मकसद नहीं रह जाता यहां पर? देखिए जी, चेहरा तो एक है राजनीति में, वो ठीक है, लेकिन वो चेहरे की सबसे बड़ी बात राजनीति में है इस समय टेस्टेबिलिटी। अगर आप पुराने चुनाव देखें, अगर 84 के बहुमत के अलावा और उसके 89 के चुनाव में लोकसभा का चुनाव देखें तो उसमें विभाजित मतलब कि
विभाजित सरकार आ रही थी, मतलब कि एक एकजुट सरकार नहीं आ रही थी, एकमत सरकार नहीं आ रही थी, उसके बाद से जो ट्रेंड बना है उसके बाद कोई भी सरकार एक मेजोरिटी की सरकार नहीं आई। लेकिन 2014 के चुनाव में मेजोरिटी की सरकार आई और 2019 में मेजोरिटी की सरकार आई। ये बात यहाँ पे प्रश्न चिन्ह अभी कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं जो वो बोल रहे थे। देखिए क्या है बात यहाँ पे, एक फेस की और टेस्टिबिलिटी की। मोदी जी ने जो एक गारंटी का जो एक चीज कही है वो उसपे जनता ने टेस्ट किया। अभी अपन विधानसभा के, अगर हम लोग विधानसभा के चुनाव देखें जो 5 राज्यों में हुए थे, उस समय की जो जून तक की जो गतिविधियां थी वो इस तरह से थी कि बीजेपी के एंटी कंटेंसी चल रही थी, लेकिन आप देखें परिणाम किस तरह से आए। परिणाम उस तरह से कि जो पुराने चुनाव थे उससे ज्यादा 163 सीटें जीत किया उन्होंने छत्तीसगढ़ में। तो मोदी एक फेस, इतना बड़ा फेस है जिसपे मतदाता टेस्ट कर रहा है और इस चीज की स्वीकृति विपक्ष पार्टी मानती है। अगर अगर आप 5 गारंटियां राहुल जी ने अपनी यात्रा में दी, न्याय यात्रा में दी, वो न्याय जो उनकी गारंटियां हैं वो इतनी महत्वपूर्ण गारंटियां हैं लेकिन टेस्टिबिलिटी नहीं है, मतदाता उन पे विश्वास नहीं कर रहा टेस्ट पे। उनने कहा 32 लाख नौकरियां देंगे, उन्होंने कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, और आप देखें तो उससे ज्यादा वो दे रहे हैं जनता को, लेकिन जनता डिलीवर किस पे कर रही है, विश्वास किस पे कर रही है, बात यह है। आज आप देखें अगर जो राज्यसभा से सदस्य जाते थे और उन्होंने देखिए पुराने लेफ्टिनेंट जनरल का टिकट काट दिया, आप देखिए राज्यसभा से भूपेन जी जाते थे उनको लोकसभा का टिकट दे दिया, तो उन्होंने काफी नए परिवर्तन किए हैं। और इस परिवर्तन में उन्होंने कहा कि जो उच्च सदस्य आते थे उनको आप मतलब कि लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया, क्योंकि उनको विश्वास है कि हमारे फेस से चुनाव लड़ेंगे। अगर हम एक पत्रकार की दृष्टि से अगर देखते हैं तो आज अगर नगर पालिका के चुनाव से लेके और पंचायत के चुनाव से लेके अगर लोकसभा के चुनाव तक होते हैं तो बीजेपी मोदी जी का फेस करती है, मोदी जी की गारंटी देती है, हर कोई कार्यकर्ता देता है। आप मुख्यमंत्री की बाइट देख ले तो वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की गारंटी। तो मोदी एक फेस, इतना बड़ा फेस हो गया है कि अगर मोदी की टेस्टिबिलिटी, और जो जो पहले चरण में 19 तारीख को जो महाकौशल में 6 जगह जो चुनाव होना है, अब आप देखिए कि उसमें मंडला पे फग्गन सिंह कुलस्ते को टिकट दिया है जो कि विधानसभा का चुनाव हारे थे जी, है अब देखिए वहां पे, और सीधी पे अजय प्रताप सिंह जो कि संघ के अच्छे कार्यकर्ता भी हैं और वहां पे टिकट काट के एक डॉक्टर साहब को दिया है, वहां पे विरोध हुआ। लेकिन आप देखना परिणाम में कि इस तरह से वो गतिविधि करेंगे कि इस, अगर कांग्रेस इस चीज को रखे कि देखिए एक विधायक को हारे हुए को देखो फिर से उन्होंने लोकसभा का टिकट दिया और केंद्र में मंत्री है, लेकिन क्या है कि मोदी जो फेस है ना तो उसके कारण वो टिकट देते हैं और जिसका चाहे काट लेते हैं। और यही कांग्रेस में नहीं हो पाता, जिसका वो काटते हैं उसमें असंतोष नहीं होता, वो संतोष से बैठता है और जिसका जिसको वो देते हैं वो ऊर्जा से काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्यकर्ताओं की एक लंबी कतार बन जाती है, मतलब कि विरोध जहां होना चाहिए वो विरोध नहीं होता, वो सकारात्मक रूप से जुड़ जाता है, जिसका टिकट काटा वो भी पार्टी का काम करता है। तो ये बात यहाँ इस बात की है, तो नाम जब इतना बड़ा हो जाता है और उसकी टेस्टिबिलिटी इतनी बड़ी हो जाती है तो वो चुनाव मोदी जी के फेस पे तो लड़ा ही जा रहा है। ठीक है शंकरलाल जी, नाम तो निश्चित तौर पर बड़ा हो चुका है, एक ब्रांड बन चुके हैं मोदी, लेकिन जहां तक काम की बात है, क्या मानते हैं कि काम के आधार पर इस बार जो आपके प्रत्याशियों ने जनता वोट करेगी? प्रत्याशियों का पास होता, प्रत्याशियों का राजनीतिक प्रभाव मंडल, प्रत्याशियों द्वारा किए गए जीवन में उनका साफ दिमाग में तो रहते ही। पर भी मेरे मित्र कह रहे थे मुझे अच्छा लगा, मेरी तारीफ भी कर रहे थे, उनको नमस्कार करता हूँ। वो अभी कह रहे थे कि हम राम के नाम पर चुनाव जीतना चाहे, हिंदुस्तान में राम के नाम पर चुनाव जीतना कोई पाप है क्या? हम निश्चित रूप से मेरे मित्र राम के नाम पर चुनाव जीतना नहीं चाहते। इस बार जनता राम के नाम पर है और अकेले राम के नाम पर नहीं, नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार के द्वारा चाहे राज्य की हो चाहे क्षेत्र की हो, किए गए काम के नाम, राम के नाम पर, धारा 370 के नाम पर, सनातन के नाम पर और कश्मीर चीन तलाक के नाम पर, CAA के नाम पर, जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर, देश की सीमाओं की सुरक्षा और देश के गौरव के नाम पर,
हम इन नामों पर जनता चुनाव में नहीं विश्वास कर लीजिए, इसलिए कांग्रेस का कहीं पता नहीं चल रहा, इसलिए कांग्रेस के अच्छे बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव लड़ने के लिए सोच रहे। राम का आमंत्रण तो आपने ठुकरा दिया और वाहवाही रूप में क्रांतिकारी हो गए, अपनी धरती में बीमारी हो गए अपने राम के लिए, इस माजी तो आपने कर दी और उसके बाद हालत क्या। आज कांग्रेस के दिक्कत नेता टिकट लेने के नाम पर फोन नहीं उठा रहे, बात नहीं कर रहे, मिली हुई टिकट जिस टिकट के लिए मारा मारी बच्चू आप ढूंढ के लाए सुंदर जी के खिलाफ प्रसाद भान शर्मा। अरे बाप रे, ये ठीक है क्यों दो बार चुनाव जीते वरिष्ठ नेता उन्हें प्रणाम करता हूं, पर आज की लड़ाई में प्रसाद भान शर्मा 80 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति और मैंने शिवराज सिंह से चुनाव लड़ा, आप चुनाव लड़ी नहीं रहे मेरे भैया, ना आपको चुनाव लड़ने की जमीन बची, आज तो फिर मैं ही अदा कर। आज आपने कहा कि हमने नए चेहरों को उतारा, अरे नए चेहरों को जिनको भी आपने उतारा जी उनका क्या है जब आपके पास कार्यकर्ता ही नहीं इस क्षेत्र में। चलिए जवाब इसी पर लूंगा रितेश जी, क्या कार्यकर्ताओं की फौज नहीं रही कांग्रेस में, क्या चुनाव के लिए अब दावेदार नहीं आ रहे सामने? ठीक है जवाब ले लेते हैं शंकर जी। ये बात उन्होंने उठाई, कांग्रेस नेता बनाने वाली पार्टी है, कांग्रेस लगातार नेताओं को बनाती है। वही मैं जिस समय जहां पे खड़ा हुआ हूं, ये भगवान कामतानाथ का क्षेत्र है, ये वही 84 कोसी परिक्रमा है जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 20 साल या अब तो कहा जाए 21 साल हो गए हैं, उस शासन के तहत अपने पुनरोद्धार को अपने जीर्णोद्धार की राशि देख रही है। क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं अमित जी? अमित जी आप मेरे को सुन पा रहे हैं? शंकरलाल जी मैं आपका रुक करूंगा। जी जी रितेश जी आपकी बात जारी रखें जी। अब इन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता इतने महान हैं, ये है वो है, मोदी की गारंटी। मैं हमारे जो भूपेंद्र जी हैं पत्रकार साथी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप मोदी गारंटी की बात करते हैं, क्या मोदी जी के हिम्मत है कि 10 साल पहले उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, फिर एक बार मोदी सरकार। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी तब भी एक कहा था जब वो मुख्यमंत्री थे कि जिस तरह रुपये की वैल्यू गिर रही है, वो रुपये की वैल्यू नहीं प्रधानमंत्री की छवि गिर रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं आज डॉलर के सामने रुपया कहां पड़ा है, तो प्रधानमंत्री जी की छवि कहां पड़ी है? आपने कहा कि बहुत इज्जत है भारतीय जनता पार्टी की के जो ब्रांडिंग फेस है मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे जो पिछले आज आपने दो दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रखा है, आपने जनता के चुने हुए दो दो राज्यों उनमें एक अर्जुन मुंडा भी है हेमंत मुंडा भी जिनको आपने जेल में डाल रखा है, वो आदिवासियों का सबसे बड़ा भारत का चेहरा है, दूसरी तरफ देश की राजधानी की दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर आपने फर्जी आरोप लगाकर किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा है। अगर आप इसी तरह मोदी की गारंटी मानते हैं तब तो बहुत महान मोदी वारंट गारंटी, इसमें कोई दोमत नहीं है। अगर आप में दम है, अगर आप में हिम्मत है, तो आप सामने वाले विपक्षी को ओपन फील्ड में बुलाइए। आज आप कांग्रेस के ऊपर 1700 करोड़ का जुर्माना लगाकर उनके अकाउंट फ्रीज करवा के चुनाव लड़ना चाहते हैं और आप मोदी की गारंटी की बात करते हैं। आप चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे नवीन जिंदल हो, आपने कांग्रेस के तमाम दिग्गजों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी अकेले मोदी चेहरे पर नहीं चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी ईडी के दम पर, भारतीय जनता पार्टी सीबीआई के दम पर, भारतीय जनता पार्टी पुलिस के दम पर, भारतीय जनता पार्टी लोकायुक्त के दम पर चुनाव जीत रही है और इसका मुख्य चेहरा ईडी और सीबीआई है। मोदी तो सिर्फ नाम का दिखावटी चेहरा है। दूसरी बात, इतना बड़ा घोटाला उन्होंने देश के अंदर किया है कि रेवड़ी बांटी है, जिस तरह से इलेक्टोरल बांड में उन्होंने अपराधियों से, पाकिस्तानी कंपनियों से और नंबर दो की कंपनियों से, जेल में बंद अपराधियों से और उन सिप्ला की कंपनी जिसकी 3 साल से टेस्टिंग की जा रही है और दवाई को अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, और 780 करोड़ का चंदा देने के बाद सिप्ला की उसी दवाई को अप्रूवल दे दिया जाता है, देश के कितने लोगों की जान आप खतरे में डाल रहे हैं। मोदी सरकार जनता के साथ, जनता के पैसों के साथ और जनता के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रही है कि आने वाले कई दशकों तक जनता को इसके परिणाम भोगने पड़ेंगे। आज जिस तरह से किसान की किसानी खत्म कर दी गई, देश के जवानों की जवानी खत्म कर दी गई और आपने देश को अग्निवीर योजना दी है, आप मोदी फेस की बात करते हैं, 4 साल में देश के जवानों को धुतकार दिया जाता है। आज हमारे गोरखा जिनके दम पर हम कारगिल और पाकिस्तान से लड़ाइयां जीत कर आते थे, आज वो गोरखा सैनिक चाइना की सीट में जाने को मजबूर है, अपना पेट चलाने के लिए आज उनको चाइना की सेना ज्वाइन नहीं करनी पड़ी। क्या हाल होगा देश की सेना, जो संपूर्ण विश्व में भारत की सेना को नंबर एक की सेना माना जाता था, आज हमारी थल सेना के जवान 4-4 साल में नौकरी से उनको धुतकारा जा रहा है, उनके परिवार के बारे में सोचिए। मोदी सरकार के कारण महंगाई
छह गुना बढ़ गई। मोदी का नाम के चेहरे बाकी काम के चेहरे कुछ और है बीजेपी के, जवाब दीजिए फिर भूपेंद्र जी रुख करेंगे। शंकर लाल जी, जी तो प्रदेश की जनता के पल्ले पड़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं जी, क्या बोल रहे हैं। अब मैं भी खूब कोशिश कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी से भाजपा, आप मेरी मदद करिए। क्या है महापौर उनका टिकट काट उनको अपनी पार्टी में ले ठीक है, रितेश जी जवाब ले लेते हैं, आप ही के आरोपों पर उनसे सवाल है जवाब। जवाब नहीं, मैंने अभी जवाब दिया नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप ही से सवाल है शंकर जी, आप ही से सवाल है। सुनिए ना, यूनिटी की बात की जी। अरे भैया जरा सा न्यायालय पर तो रह पाओ, उधर में देख रहे हो न्यायालय की तोहिन करने का ठेका ईडी गठबंधन के लोगों ने और कांग्रेस पार्टी ने ले रखा। अरे भैया 22 में मुकदमा केजरीवाल के खिलाफ कायम हुआ और अभी सारे प्रमाण कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में छन्ने लगा लगा करके रखते गए। आप क्या सोच रहे हो कि सारे न्यायालय ईडी ऑफिस है, ईडी ऑफिस तो होता है सारे न्यायालयों को, और इसके जो चोर है जिन्होंने कमा के इस देश को, गरीबों के हिस्से को, देश को लूटा है वो जेल जाएंगे। इसमें आपकी दृष्टि लगना स्वाभाविक है क्योंकि 60 साल तक कांग्रेसियों ने और ये तमाम अन्य दलों ने, कभी कांग्रेस से मिलकर कभी वामपंथी कांग्रेस गलवैया नाम से घूमने लगे, ये जो लूट के पैसे है ना ये एक एक पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो एक आह्वान कर दो अपने दफ्तर से, ये एक सूची दे दो कि कौन कौन तुम्हारे धंधे में पड़ते थे तो उनको कह दो कि सरेंडर कर दे और नियमानुसार अपनी आर्थिक स्थिति खड़ी कर ले। जहां तक देश की आर्थिक प्रगति की बात है, देश के प्रधानमंत्री जी ने और मोदी जी ने और देश से नहीं देश के बाहर से भी जो आर्थिक विशेषज्ञ है जी, वर्तमान सरकार की आर्थिक स्थिति को बेहतर नहीं दुनिया के देशों से मजबूत माना और तमाम संकटों के बाद भी जिस तरह देश की आर्थिक गतिविधियां, रोजगार की गतिविधियां बढ़ी है, उस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया मान रही, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम देश में तीसरे नंबर की आर्थिक स्थिति बनने की तरफ आगे बढ़ रहे और ये रोना रो रहे हैं। इनके समय की आर्थिक स्थिति की मैं चर्चा करूंगा, आप समय नहीं देंगे, पर मैं कुल इतना कहना चाहूंगा कि देश की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य स्थिति, नोबेल पुरस्कार विजेता ने कहा था कि जिस देश का स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छी होगी उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, जिस देश का किसान और नौजवान बुझाओ बिल्कुल। और कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पहुंच रहे हैं, मैं डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी का रुख कर लेता हूं। भूपेंद्र जी, बहुत हुई महंगाई की मार, जैसा कांग्रेस बार बार इस नारे को दोहराती भी हर चुनाव में और ये मुद्दा भी बनता है, लेकिन इस बार क्या आप देख पा रहे हैं लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस का मुद्दा और बाकी बहुत जमीनी मुद्दा है ये इतना कामगर साबित होगा, या फिर जो मोदी की गारंटी है जिनका आपने पहले भी जिक्र किया उसके आधार पर इस बार चुनाव हो रहा है? देखिए अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात रखी, उन्होंने कई चीजें और नहीं रखी। देखिए एफडीआई का विरोध कर रही थी ये बीजेपी सरकार, अगर आप देखें विपक्ष में जब बीजेपी थी जी, उसने आधार कार्ड का विरोध किया था, उसने जीएसटी का विरोध किया था, उसने रक्षा में जो एफडीआई 100% इन्होंने लागू किया उसका विरोध कर रही थी जी। बात यहाँ ये नहीं है, देखिए लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी दरबार होती है, जनता ही उसका प्रतिफल देती है और अच्छी सत्ता के लिए एक अच्छा सशक्त विपक्ष भी चाहिए। बात यहाँ पे कांग्रेस को यह सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस की वो एक बाढ़ चलती थी, एक समय चलता था कि गांधी परिवार के साथ कांग्रेस चलती थी, कोई भी कैंडिडेट, हमने तो कई लोकसभाओं में ऐसा देखा है कि वो मध्य प्रदेश से लड़ रहा है, दिल्ली का कैंडिडेट है और जीतता था, तो एक ऐसी उस समय लहर थी। आज चुनाव में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उस चीज का विरोध कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस उसका, बीजेपी उसका विरोध करती थी जब मनमोहन सिंह सरकार थी, लेकिन आते ही कांग्रेस बीजेपी ने उसको लागू किया, आधार कार्ड को लिंक किया, अब एफडीआई को 100% लागू किया, जीएसटी लागू किया, आप लोग उस चीज को जनता तक नहीं पहुंचा पा, पेट्रोल के उनके जीएसटी का नहीं कर पाए, जो अमूलन था डॉलर का उसका भी विरोध किया, उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए थे, लेकिन जनता की टेस्टिबिलिटी देखिए ना आप, अगर इसी आप तो 10 साल से अभी मोदी जी है और 10 साल से आप उसी बात को कह रहे हैं, लेकिन जनता उस चीज को बात मान रही है कि अगर बात जब मानेगी जनता, जब आपका आपकी सत्ताएं आए, अभी 2 यात्राएं की राहुल जी ने, और राहुल जी ने जहां से यात्रा की क्या वहां पे पहली यात्रा का तो कुछ मूवमेंट
मिला था। अभी इस समय लोकसभा में मणिपुर से जो उन्होंने यात्रा की थी, उसको अपन यात्रा को अगले लोकसभा में देखेंगे, अभी परिणामों में कहां तक। देखिए कार्यकर्ता लगातार सत्ता होने से कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता को कार्य नहीं मिला, कार्यकर्ता अपने सपनों से बिछड़ने के कारण बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जहां मोदी फेस को लेकर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस एक बार फिर से जमीनी मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रही है, और देखना होगा कि इन दोनों के बीच में जनता किसका चुनाव करती है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस डिबेट के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसके साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।